तो हेलो दोस्तों, कैसे हो मेरे भाई? कैसे हो कोलकाता नाइट्स के बड़े बड़े फैंस? आप लोग ही हैं यहाँ पर, देख रहे होंगे हमारे वीडियो को बहुत बढ़िया तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और भाई एंड तक देखिए, क्योंकि भाई अपडेट्स बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। थोड़ा बहुत अपडेट जो आ रही है आप लोग पर रोज देंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर आनंद न्यूज स्पेशल वीडियो के साथ आप लोग फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल के हमारे इस नए वीडियो में। तो गाइस ऑलरेडी इस वीडियो में आप लोग पर रोजने वाले कोलकाता नाइट राइडर्स से जो अपडेट्स आ रहे हैं, सीएस अय्यर से जो अपडेट्स आ रहे हैं, और भाई सुनील लारियन से जो यहाँ पर से जो अपडेट्स आ रहा है वो आप लोगों को जरूर से इस वीडियो में परोसने वाला है। वीडियो तो जरूर इंपॉर्टेंट होने वाला है और होता रहता है कोलकाता नाइट्स के फैंस के लिए। वीडियो में लाइक बटन दिख रहा है, इधर लाइक बटन चैनल ने ऐसे क्रिकेट अपडेट्स कोलकाता नाइट्स रिलेटेड अपडेट्स पाना तो नीचे के चैनल को सब्सक्राइब कर, लिंक को प्रेस कर लीजिए। कल ये हमारे चैनल के सभी वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। केकेआर कोलकाता नाइट्स यहां पर जो है कुछ साल यहां पर खराब परफॉर्मेंस के दौरान 2023 में चाहती है बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस करना। और भाई ट्रॉफी ये इनका लक्ष्य रहेगा कि भाई ट्रॉफी हम जीते, यहां पर हमारा टीम में कप आए। और सभी टीम यही माइंडसेट के साथ उतरेंगे 2023 में। कोलकाता को भी बहुत बड़े चेंजेस करते हुए यहां पर उतरना पड़ेगा मैदान में, मैदानी जंग में यहां पर उतरना पड़ेगा। आईपीएल जैसे यहां पर जो है इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग बन गया है अभी तो भैया। इंडियन प्रीमियर लीग कहीं से भी नहीं लगता, ये तो भैया इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग हो गया है। 10 टीमों के वजह से यहाँ पर जो है बहुत ही घमासान युद्ध भी होने वाला है 2023 में भी, 2022 में भी देखने को मिला था। पर 2022 में केकेआर का परफॉर्मेंस अच्छा था नहीं ना यहाँ पर उतना अच्छा। तो बस 2023 में यहाँ पर बहुत बढ़िया चेंजेस दिखाने रहेंगे, बड़े थोड़े बहुत यहाँ पर प्लेयर्स लेने चाहेंगे। और बस श्रेयस अय्यर के ऊपर जो अपडेट आया, श्रेयस अय्यर ने यहाँ पर बोल दिया, थोड़ा बहुत यहाँ पर समझा दिया है, थोड़ा बहुत हिंट्स दिया है कि भैया हम लोग यहाँ पर जो है केकेआर में थोड़ा बहुत बड़े प्लेयर्स की तरफ यहाँ पर रेड लगाने जाएंगे। और वह नजर तो रखा है बिल्कुल यहाँ पर, ईमान तो पूरा है यहाँ पर, जान देखे भी जान नहीं, यहाँ पर जितना पर्स में है उतना देखे यहाँ पर खरीदने के लिए जरूर जाएंगे, बड़े प्लेयर्स की तरफ जाएंगे। और भाई पाना नहीं पाना तो भाई वो इंटेंट के ऊपर निर्भर करता है, वो टीमों के ऊपर यहाँ पर निर्भर करता है कि भाई वो कितना यहाँ पर दिखा रहा है अपना इंटेंट, और हमारा टीम कितना दिखा रहा है उनके ऊपर निर्भर करता है। तो भाई बड़े प्लेयर के यहाँ पर जो खरीदने के लिए पूरा यहाँ पर विश्वास और भाई टारगेट तो पूरा है। इसके बाद जल्दी जल्दी आते हैं यहाँ पर सुनील लानिन के परफॉर्मेंस कैसे है यहाँ पर, ओवरऑल यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई इन्होंने जो है 24 गेंद डाल दिए, 4 ओवर में सिर्फ 11 रन के 2 विकेट चटका लिए, मतलब इकोनॉमी रेट इनका बहुत यहाँ पर खासम खास रहता है। बैट में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल। यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर वीडियो में आप लोग बताया था ऑलरेडी, यहाँ पर बैटिंग में इनका परफॉर्मेंस जो है बहुत बढ़िया है चल चुका है। और भाई ओपनिंग में एज अ ओपनर भी बहुत बढ़िया यहाँ पर स्कोर कर रहा है। तो भाई यहाँ पर 2023 में कहीं ना कहीं ओपनिंग भी तौर में यहाँ पर इनके वजह से यहाँ पर सॉल्व भी हो सकता है ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं। या भाई बॉलिंग में तो ये है यहाँ पर जादूगर स्पिन के। तो भाई ऑलरेडी आप लोग यही कुछ अपडेट्स, थोड़ा बहुत जो अपडेट्स आ रहा था आप लोग पर रोज दिया। ओवरऑल आप लोग वीडियो थोड़ा दिया फटाक से लाइक कर दीजिएगा, उसके पहले भैया कॉमेंट जरूर प्यारा से कर दीजिएगा आप लोग ये अपडेट्स कैसे लगा, और भाई आप लोग कौन कौन प्लेयर्स इनके यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या आप लोग विश्वास है इनके प्लेयर के ऊपर, जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। वीडियो आपको थोड़ी अच्छी लगे तो फटाक से चैनल को अभी सब्सक्राइब, नीचे के चैनल को सब्सक्राइब लिंक को प्रेस कर दीजिए। एक बार आपको क्रिकेट सब कुछ आईपीएल सब कुछ मिलते रहते। तो आज के लिए इतना मिलता है और अगेन डिस्ट्रीब्यूटर।